क्या आपके हेयर भी डल ड्राई फिजी हैं और इसके लिए आपको पार्लर में जाकर स्ट्रेटनिंग वगैरह करवाना पड़ती है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं घर पर किस तरह से हेयर स्ट्रेट करती हूँ। मैं अगारो हेयर वॉल्यूमनाइजर यूज करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी और इसको आपको किस तरह से यूज करना है वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूंगी। ये कुछ इस तरह के बॉक्स में आपको रिसीव होगा। इस बॉक्स में सब कुछ मेंशन किया गया है। चलो अब इसको ओपन करके देखते हैं। इसको ओपन करने पर आपको कुछ इस तरह का हेयर वॉल्यूमनाइजर मिल जाएगा और इसमें काफी अच्छी पैकेजिंग में ये आया है। इसके साथ आपको ये वारंटी कार्ड भी मिल जाएगा। इसके साथ आपको ये यूजर मैनुअल भी मिल जाएगा। इसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं। इसकी 2 मीटर तक वायर लेंथ है और इसमें आपको प्लग दिया रहेगा। इसकी वायर की लेंथ आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी दी हुई है। तो आप इसको कहीं पर भी, दूर भी अगर लगा रहे हैं तो वहां से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये 2-in-1 प्रोडक्ट है। ये ड्रायर का भी काम करता है एज वेल एज स्ट्रेटनर का भी काम करता है। इसका ब्रश हेड जो है वो सेरेमिक टर्मलाइन कोटेड आता है जो इंश्योर करता है कि आपके हेयर बिल्कुल भी डैमेज ना हो। इसके एक्टिवेटेड चारकोल ब्रिसल्स की वजह से हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें आयनिक टेक्नोलॉजी है जिससे हेयर में फिज रिड्यूस होता है। ये सिविल पावर कॉर्ड है। ये 360 डिग्री टर्न हो जाता है। इसको जब हम यूज करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है इसको यूज करना। यहाँ पर ऑन ऑफ का दिया है, प्लस इसमें आपको 3 हीट सेटिंग्स मिल जाएंगी और 2 स्पीड सेटिंग्स। इस तरह से आप ये सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए हो, लो, मीडियम, हाई। इसमें 2 अलग टाइप के ब्रिसल्स भी मिलेंगी जो राउंड टिप के साथ है, एंड चारकोल ब्रिसल्स जो हेयर को एक टाइम पे डिटेंगल भी करता है एंड स्मूथ भी। अब मैं बताती हूँ आपको इसको किस तरह से यूज करना है। अभी ये आप देख सकते हैं मेरे हेयर किस तरह से रफ एंड ड्राई लग रहे हैं। अब सबसे पहले आप कोई भी जो भी हेयर सीरम यूज करते हैं वो ले ले। मैं यहाँ पर लिवॉन हेयर सीरम यूज कर रही हूँ। फिर इसको अपने हेयर लेंथ पर अच्छे तरीके से लगा लेना है हेयर सीरम को। अब मैं व्हाइट टूथ कॉम लूंगी और अपने हेयर डिटेंगल कर लूंगी ताकि उसमें कोई भी नॉट्स ना रहे। और ये मैंने कॉम कर लिया है। मैं इसको सेक्शन वाइज करूंगी, आप विदाउट सेक्शन भी कर सकते हो। इस तरह से मैं इसमें हेयर क्लिप लगा करके इसको 2 पार्ट में कर लूंगी और इसके बाद मैं इसको ऑन कर लूंगी। ये स्पीड देखिए हाई भी है, मीडियम भी है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर ले। मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से ब्रश करूंगी। इससे हेयर स्ट्रेट करना बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं। और ये हो गया है। वो जो हेयर मैंने टाई किए थे उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं इसको भी ब्रश कर दूंगी और इस तरह से इसको टर्न करती जाऊंगी। ये बहुत इजी प्रोसेस है, इससे आप इंटर्न और आउट टर्न भी कर सकते हो। ये देखिए मेरे हेयर किस तरह से इंटर्न हो गए। बस इसी तरह से मैं अपने पूरे हेयर पर इसको कर लूंगी। ये मेरे इस साइड के हो गए हैं और आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब इसी तरह से इस साइड के भी मैं हेयर डन कर लूंगी। अभी ये दोनों साइड मैंने कर लिया है। 7 to 8 मिनट्स में ये फुल प्रोसीजर हो जाता है। आप देख सकते हैं फ्रिजीनेस रिड्यूस हुआ है और मेरे हेयर शाइनी एंड सिल्की लग रहे हैं। हम लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं तो स्ट्रेट करना रहते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग से बहुत टाइम लगता है, बट इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आपको नॉर्मल ब्रश करना है और हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे, शाइन भी करेंगे। ये हेयर ड्रायर का भी वर्क करता है, तो जब भी मैं हेड वॉश करती हूँ तो मैं इसी से ही अपने हेयर ड्राई करती हूँ। ये 2-in-1 प्रोडक्ट है, तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। यह आपका हेयर स्ट्रेट भी करेगा और हेयर ड्राई भी। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं, पहले मेरे हेयर इस तरह के थे और यूज करने के बाद इस तरह के हो गए हैं। अगर आपको इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।